अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे देखने वाले बहन भाई यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब धन्यवाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो आज मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। तो अब सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। तो बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो भी अब सब बहन भाई से शेयर करती हूँ। चलिए आज की जो वीडियो है स्टार्ट कर लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले इस बाल्टी में मेरे पास घी है, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, चाइना साल्ट, बिरयानी मसाला, गरम मसाला और पीसा हुआ धनिया। और इसमें साबुत गरम मसाला है। दो मैंने प्याज लिए, इनको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया। और दो ही मेरे पास टमाटर हैं। और साथ मैंने सब मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। 1 kg मेरे पास चावल है और गोश्त को मैंने अच्छी तरह उबाइल करके रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जिस पतीले में मैंने चावल बनाने थे उसको भी मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो यहाँ पे हमारा घी जो गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी और साथ में सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था वो ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ ही रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो जिन बहन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को मिलता रहे। तो अभी इसके अंदर मैं ना मसाला जात ऐड करूँगी जो कि पहले से मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो गया है। मसाले ने जो घी है बिल्कुल छोड़ दिया, अलग हो गया। तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी गोश्त जो कि मैंने पहले से उबाल करके रखा हुआ था। तो ये देखें पानी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसको नमक जो वो भी मैंने चेक कर लिया, तो अभी मैं इसको ढाँप देती हूँ। जैसे पानी में बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। तो यहाँ मैं पानी में बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल। चावलों का पानी जो मैंने निकाल लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चावलों का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, तो अभी इनको मैं लगा देती हूँ दम पर। चावलों को दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ मिर्च कटी हुई,
साथ मैंने एक लेमन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और गरम मसाला, और साथ में मैंने लिया है फूड कलर चावलों का कलर चेंज करने के लिए, वो इसके अंदर ऐड करने के बाद ही मैं इसको दम पे लगाऊंगी, और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट का दम लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की हमारी तैयार हो गई है, अभी आपको प्लेट में डाल के दिखाती हैं। माशाल्लाह देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।